हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइस ब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे एमसीएक्स क्रूड ऑयल लाइक जिंक लीथ, देखेंगे हम कहाँ पे एंटी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्रूड ऑयल का लिया तो चार्ट डेली, अगर हम देखें तो डेली चार्ट क्रूड ऑयल तो कंटिन्यूअस प्राइस नीचे आ रहा था, लेकिन अब ये अराउंड 3000 का आसपास से मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकता है। तो मुझे लगता है ये हमें एक सपोर्टिंग लाइन मिला हुआ है, राइट, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन मिला, रेजिस्टेंस लाइन का एक रेंज मिला हुआ है। तो मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा नीचे आके ये जो लोअर पॉइंट था पहले, तो उसका आसपास भी मार्केट क्रूड ऑयल आ सकता है, तो यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस होगा। तो अगर यहाँ पे और नीचे आ गया और फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया तो एक यहाँ पे एक फॉर्म होगा, जिसे एक पैटर्न फॉर्म होगा, जिसे आप बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो जैसे ये लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर, और अगर ये फॉर्म करके जो ये इसका हमें एक रेंज मिलेगा, इसको अगर ब्रेकआउट करेंगे तो यहाँ से आप बाय चल सकते हैं। सो डेली में तो तब तक मुझे लगता है ये 60 मोबी हेकेनिसी का लाइन जो है उसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो अगर ये ऊपर चला गया तो मुझे लगता है यहाँ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होगा, तो यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन जो डेली में है तो इसमें आप बाय जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज आर भी क्रॉस किया हुआ है यहाँ पे, राइट। तो अगर छोटा टाइम फ्रेम थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं 4 आवर, तो आप देख सकते हैं 4 आवर में क्या हुआ, ये मार्केट हायर हाई बनाया, राइट। तो हाई बनाया, हायर हाई बना के यहाँ पे देख सकते, ये सिंपल मूविंग एवरेज एक मैंने लिया हुआ है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, तो एग्जैक्टली वहाँ पे गया हुआ है, तो वहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आ गया। तो जब नीचे आया मार्केट कहाँ तक आ गया, आप देख सकते हैं 20 मूविंग एवरेज, तो 20 मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट बना, सपोर्ट बना के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर आपको लॉन्ग पोजीशन में बाय जाना है तो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए देना चाहिए, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं ये अभी भी स्टिल डाउन ट्रेंड में चल रहा है और 200 मूविंग एवरेज स्टिल शोइंग इन डाउन ट्रेंड। सो इसमें हमें बाय कहाँ करना है उसका ऊपर भी हम देखेंगे। तो लॉन्ग पोजीशन के लिए बाय करने के लिए आप 20 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट होना चाहिए, अगर इसको ब्रेकआउट होके क्लोज हो गया तो इसमें आप बाय जा सकता है, जिसे आप हम देखेंगे 30 मिनट में। 30 मिनट आप देख सकता है थोड़ा अप ट्रेंड ले रहा है, राइट, 30 मिनट में देख सकता है, लेकिन अप ट्रेंड ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अप ट्रेंड जब ले रहा है तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया, तो रिट्रेसमेंट कर दिया तो रिट्रेसमेंट हो गया, तो आपको बाय लेना है, आपको अगर बाय लेना है तो आप इसका ऊपर में बाय ले सकते हैं, जैसे 3685 का ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो गया तो आप बाय जा सकता है। ठीक है, तो देखता है हम 15 मिनट में, तो 15 मिनट में आपने देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट हायर हाई बनाया, यहाँ पे जो ये लोअर लो बना रहा था, राइट, लोअर लो, तो उसके बाद एक हायर हाई बनाना शुरू कर दिया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर इसको अगर तोड़ नहीं पाया, जैसे आप देख सकते हैं ये लोअर पॉइंट है और एक सपोर्टिंग रेंज बना के लगा हुआ है, तो अगर इसको तोड़ कर दिया, तो इसको तोड़ दिया, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ से आप बाय जा सकते हैं। जैसे 200 मूविंग एवरेज आपका आएगा कितना, 3600 700 3000, आपको एक जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक द प्राइस, लेट मी ड्रॉ द लाइन, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3780 या 85 का ऊपर में आप बाय जा सकते हैं, राइट। अगर ये मार्केट इसको ब्रेकआउट करके नीचे आ गया, जैसे ये लाइन आपको मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे अराउंड 3612, अगर 12 या 10 पकड़ लीजिए, 3610 को ब्रेकआउट कर दिया तो इसमें आप सेल में जा सकते हैं, राइट। ये हो गया आपका क्रूड ऑयल। तो थोड़ा जिंक भी देख सकते हैं हम, तो जिंक आप देख सकते हैं जिंक मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डेली में आप देख सकते हैं डेली में डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर लो बना रहा है, यहाँ पे करेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे एक हेजिटेशन जोन में मार्केट चल रहा है, ये एरिया आप देख सकते हैं एक हेजिटेशन जोन और मार्केट सोपी मार्केट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लास्ट 4 to 5 डेज मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है,
तो अगर आपको यहाँ पे एंटी कहाँ करना है, हम देख लेते हैं इसको। तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर देता, तो आप देख सकते हैं एक फुल्ली सोपी मार्केट है, कभी हायर हाई कभी हायर लो बना के फिर तोड़ देता है। तो एक्चुअली ये मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो आपको ट्रेड करना है तो एक रेंज बना लेना चाहिए। जैसे हमें एक रेंज मैंने आपको ड्रॉ कर दिया, एक रेंज अराउंड 178 और नीचे में आप देख सकते हैं 173। तो ये रेंज में आपको ट्रेडिंग करना है। अगर 178 का आसपास मार्केट आ गया तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ से बाय लेना थोड़ा रिस्की है। और 178 का ऊपर जैसे 190 में मिल गया तो वहाँ पे आप बाय जा सकता है 190 का ऊपर में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मार्केट मिला इसका ऊपर में नीचे में 178.50 का नीचे में अगर आपको मार्केट मिला, अगर सेल कंफर्मेशन मिला तो आप सेल में जा सकता है, राइट। और इसका नीचे जैसे आप 173 तो इसका ऊपर मिला बाय कंफर्मेशन तो बाय जा सकता है, लेकिन इसको ब्रेकआउट कर दिया, जैसे इसको ब्रेकआउट अगर कर दिया 173 को ब्रेकआउट करने से आपको सेल यहाँ पे, यहाँ से नीचे सेल में जा सकता है, राइट। ये हो गया आपका जिंक। तो हम देख सकते हैं गोल्ड में, गोल्ड देख सकते हैं, अगर हम गोल्ड डेली में देखें तो गोल्ड प्राइस कंटिन्यूअस ऊपर ही जा रहा है। सो मैंने इसको जस्ट अ मिनट, मैंने ये फिबोनाची लगा के रखा था, इसको हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी गोल्ड डेली में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ एग्जैक्टली राइट। तो गोल्ड, तो गोल्ड में थोड़ा यहाँ एक एरिया मिला हमें, जिसे आप देख सकते हैं 15 मिनट में, राइट। तो 15 मिनट में क्या है, हमें जो देखा ये लाइन तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन के आसपास में है, राइट। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है, आप देख सकते हैं पहले कई बार ट्राई किया था ब्रेकआउट करने के लिए, कर नहीं पाया। तो अगर यहाँ पे आप बाय लेंगे थोड़ा दिक्कत होता है, क्या है क्योंकि ये एरिया जो रहता है तो यहाँ से फ्यूचर मार्केट नीचे आने का चांसेस है, क्योंकि प्रीवियसली आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन। तो रेजिस्टेंस लाइन का आस पास हमें कभी भी बाय लेना नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ से फ्यूचर मार्केट आ सकता है, क्योंकि एक आपको मैं थोड़ा छोटा करके देख, हाँ तो यहाँ पे क्या हुआ देख सकते हैं, एक बार ट्राई किया, वन ट्राई टू ट्राई थ्री ट्राई, यहाँ पे भी किया था फोर फिफ्थ। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर से मार्केट आ सकता है। तो बाय लेना है तो इसका ऊपर जैसे आप 32,400 का आसपास से बाय लेना शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाय करेंगे तो जैसे यहाँ पे फेक पॉइंट बनाया था, यहाँ पे देख सकते थोड़ा थोड़ा फेक पॉइंट, तो यहाँ से फेक पॉइंट बना के फिर से मार्केट आ सकता है। तो इसलिए यहाँ से बाय लेना थोड़ा रिस्की है, राइट। तो अगर हम देखें 15 मिनट, तो 15 मिनट में हमें एंटी करना है, तो हमें सेल में एंटी करेंगे, सेल में एंटी कब करेंगे, तो आप देख यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइव मूविंग एवरेज लिया और 20 मूविंग एवरेज लिया। अगर फाइव मूविंग एवरेज ने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया और इसीमोको का नीचे में मार्केट ओपन हो गया तो यहाँ पे सेल जा सकता है, राइट। और टारगेट आपका 200 मूविंग एवरेज का आसपास ले सकता है। So I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.